हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज कुछ तो अलग ही बनाने वाली हूँ। तो मेरा जो, जैसे कि टाइटल में मैंने बताया है, हम पत्थरों से इयररिंग बनाने वाले हैं। एग्जैक्टली, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैंने एक फ्रेम लिया है, मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड्स तो ही आपको पता है। तो एक सिलिकॉन मोल्ड में मैं कुछ ग्लिटर्स ऐड कर रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो सिल्वर ग्लिटर्स। सो प्रॉपरली ग्लिटर्स अभी डालने के बाद हमें बस उसको अच्छे से स्प्रेड करना है इन द मोल्ड। तो जैसे कि ये सिलिकॉन मोल्ड है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो कैसा ग्लिटर जो है वो चिपक ही जाता है ग्लू की तरह। सो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं उसमें। तो अभी बस मैं प्रॉपरली पेपर के हेल्प से ही बस मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह मुझे वो स्प्रेड करवाना था। एंड ऐसा ना हो कि एक जगह पर मुझे ग्लिटर दिख रहा है, दूसरी जगह पर एकदम अजीब ही लग रहा है वो। तो वैसे वो भी एक अलग ही डिज़ाइन बनेगा, बट स्टिल वाई टू ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, नॉट नाउ। सो ग्लिटर स्प्रेड करने के बाद अभी बस मुझे पेपर्स डालने हैं। तो जैसे कि मैंने अपने टाइटल में बोला था कि हम पत्थरों से इयरिंग बनाने वाले हैं। एग्जैक्टली, सो मैं पत्थर ही यूज़ करने वाली हूँ। सो पेपर्स जो थे मेरे पास कुछ, तो मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। ये आप सब लोगों ने एक्वेरियम्स में देखे होंगे, तो मैं वही एग्जैक्ट पत्थरों को यूज़ कर रही हूँ। मैंने बस उन पत्थरों को थोड़ा सा और छोटा कर दिया है, बेसिकली तोड़ ही दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा। सिलिकॉन मोल्ड जो है उसमें वो प्रॉपरली सेट होके रहे। सो अभी बस मैंने, एज यू कैन सी, मैंने पत्थरों को स्प्रेड कर दिया है प्रॉपरली। यहाँ एक और चीज़ हमको मेक श्योर करना है कि जो डिफरेंट कलर्स है वो एक साथ ना हो जाए, जैसे ऑरेंज एक जगह, पिंक एक जगह, वैसा नहीं करना है। तो हमें मिक्स करके डालना है। तो मैं जहाँ जहाँ पे भी ऑरेंज ऑरेंज एक साथ है या ग्रीन ग्रीन एक साथ है, मैं उन सबको अलग करूँगी। तो वैसे ही करके हम करने वाले हैं। अभी सिमिलरली मुझे स्टोन्स जो है दूसरे साइड पे डालने हैं। वैसे आप स्टोन्स के जगह पे डिफरेंट कलर्स के भी स्टोन्स होते हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली एक्वेरियम वाले पीबल्स, बट देर आर डिफरेंट अदर स्टोन्स जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक जो थोड़ा सा शाइनी हो एंड ऑल, तो वैसा भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा ही लगेगा। अभी पेपर्स तो मैंने डाल दिया, बस मुझे उसके ऊपर रीजन डालना है, क्योंकि मुझे उसको एक ही साथ एक ही फ्रेम में चाहिए। तो मैं उसके ऊपर बस रीजन्स डाल रही हूँ, जो भी मैंने रीजन का सोल्यूशन बना के रखा था वो बस मैं प्रॉपरली उस पर डाल रही हूँ। और मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि जो मेरे सारे स्टोन्स हैं वो प्रॉपरली रीजन से कवर होने चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ पेबल्स मैंने बाहर निकल गए और कुछ पेबल्स मेरे रीजन के साथ ही हैं। देर इज़ वन मोर थिंग टू फोकस ऑन। बेसिकली जब हम लोग रीजन का सोल्यूशन डालते हैं तो हमारा फोकस नीचे है, मतलब जो भी पोर्शन हमें सामने दिखाना है उस पर ध्यान देते हैं, पीछे के पोर्शन में नहीं देते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम कैसा होता है कभी कभार, जैसे इयरिंग में हमको ऐसा पता नहीं चलता कि मुझे आगे कौन सा रखना है या पीछे कौन सा, बोथ ऑफ द साइड्स आर गोइंग टू बी विजिबल। तो उस केस में हमें बस एक चीज़ मेक श्योर करना है कि जो रीजन का जो हमारा सोल्यूशन है वो ऊपर मतलब पीछे की तरफ भी प्रॉपरली लाइक इवनली स्प्रेड होके रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं पत्थर को स्प्रेड करूँ और रीजन जो है वो भी मेक श्योर करूँ कि वो हर जगह पे स्प्रेड हुए हैं प्रॉपरली, एल्स वो बहुत ही ज़्यादा फनी कलरफुल पहाड़ की तरह दिखेंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। एक साइड तो हमने पोर कर दिया है, अब बस हमें दूसरे साइड भी सिमिलर वे में सेम सब कुछ करना है। तो मैंने कुछ स्टोन्स पहले से डाल के रखे हुए हैं, अब बस मुझे सोल्यूशन डालना है, रीजन का सोल्यूशन। तो रीजन सोल्यूशन अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम डाला था वैसे ही मैं प्रॉपरली डाल रही हूँ। अब बस मुझे उसको इसके बाद स्प्रेड करना है। इसके बाद का जो काम है वो सबसे ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि मुझे उसमें 24 आवर्स वेट करना पड़ता है। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं सेकंड डे पे ही बनाती हूँ, जिसमें मेरा फाइनल रिजल्ट होता है आपको दिखाने के लिए। लेकिन जो वेट करने का जो टाइम है वो बहुत ही बोरिंग है। सो मैंने वीडियो एडिट जो है वो तो कर ही दिया है। एज यू कैन सी हमारे इयररिंग्स तो रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं, बटरफ्लाई की तरह दिख रहे हैं मुझे तो। और द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि आप ये किसी भी कलर के साथ पहन सकते हो, स्पेशली साड़ीज़ के साथ। तो और मैं थोड़ी सी केयरफुली निकाल रही हूँ क्योंकि अभी तक क्योर हुआ नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।